स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूँ आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। हम बात करेंगे नॉन एग्री और एग्री कमोडिटी की। आज को सप्ताह के पहले दिन है, तो आज किस कमोडिटी में क्या तेजी रहेगी और किस कमोडिटी में मंदी रहेगी, तो चलिए शुरुआत करते हैं सिलसिला बाजारों का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन एग्री कमोडिटी की। नॉन एग्री कमोडिटी में सोने चांदी की बात करते हैं। आज सोना हल्की सी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है और वहीं सिल्वर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी की मैनेजिंग डायरेक्टर रूपा मेहता जी जुड़ गए हैं। रूपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी पर। रूपा जी, आज हम सप्ताह का पहला दिन है और सोने चांदी में आज हल्की सी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है, आपका क्या कुछ मानना है कि क्या सोने चांदी में ये गिरावट आगे बनी रहेगी? गुड मॉर्निंग शालिनी। देखिए, बिल्कुल सोने के अंदर आज ऊपरी स्तरों पर एक प्रेशर देखने को मिल रहा है और डोमेस्टिक मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि मार्केट ऊपरी स्तरों से लुढ़क चुका है और सोना एक बार फिर से 52,000 के नीचे जाने के लिए आज तैयार है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज जबरदस्त गिरावट के साथ कहेंगे कि देखने को मिल रहा है, क्योंकि 200 अंकों की गिरावट हमें देखने को मिल रही है और अभी भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि एक बार नीचे में इंट्राडे में 51,800 तक की गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $1923 का फिलहाल सोना कारोबार करता दिखाई दे रहा है। $1900 का अहम सपोर्ट रहेगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो नीचे में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1880 तक भी सोना जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से 1880 के आसपास एक अहम सपोर्ट, वहां तक मार्केट में गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। सेम एज चीज अगर चांदी की बात करें तो चांदी के अंदर भी ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आई है और चांदी भी अपने ऊपरी स्तरों से लुढ़क चुकी है और अभी यहां पर माना जा रहा है कि चांदी के अंदर भी करेक्शन बनी रह सकती है। 150 के आसपास की गिरावट आज हम देख रहे हैं और मुझे लगता है कि आज ये गिरावट बढ़ सकती है और नीचे में अगर देखा जाए घरेलू बाजारों में तो चांदी घरेलू बाजारों में भी एक्सपेक्टेड है कि नीचे में 63,800 तक लुढ़कती हुई नजर आ सकती है। ओवरऑल ट्रेंड सोने और चांदी का गिरावट के साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार 2 हफ्ते की रैली के बाद हमने सोने के अंदर गिरावट आते हुए देखी है और अभी फेड के आगे चलकर देखा जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी में भी कई कड़े ऐलान होने हैं और उसका भी काफी असर जो है वो कीमतों के ऊपर देखने को मिलेगा। और अभी भी हमने देखा है कि यूएस के बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी के चलते सोने में फिलहाल प्रेशर आता हुआ नजर आया है और वहीं कहीं ना कहीं संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि मई में होने वाली फेड की बैठक में ब्याज दरों में 0.50 बेसिस फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स में भी अब लगातार मजबूती आ रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सोना ऊपरी स्तरों पर लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी में प्रेशर बना रह सकता है, उधर से जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है और दुनिया भर में महंगाई बढ़ती जा रही है, ये भी एक फैक्टर होगा जो सोने के ऊपर अपना अहम सपोर्ट दिखाता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से सोना और चांदी ऊपरी स्तरों पर फिसलते हुए नजर आ सकते हैं और नीचे में $1880 तक सोना जा सकता है। वहीं 51,800 से 51,400 नीचे की रेंज सोने के अंदर देखने को मिल सकती है, तो इसलिए आज इंट्राडे में सोने के अंदर बिकवाली करके चला जा सकता है। और ऊपर जी, कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में भी गिरावट देखने को मिली है, आपका कच्चे तेल पर क्या राय है, कच्चे तेल में आगे क्या करना चाहिए? देखिए, कच्चे तेल में भी ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हावी होते हुए नजर आ रही है। क्रूड में लगातार दबाव देखने को मिल रहा है और अब हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल जो है वो $100 के नीचे लुढ़क चुका है। $98 आज बाजार खुले तो 3% की करेक्शन के साथ मार्केट के अंदर हमें ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। अच्छी खासी करेक्शन कच्चे तेल के अंदर बनती हुई दिखाई दी है। यहाँ से अगर लेवल की बात करें तो नीचे में 7500 तक कच्चा तेल लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर नजर डालें कि कच्चे तेल के अंदर जो दबाव बना है वो किस कारण से बना है, दरअसल IMF वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है और वहीं कोरोना की वजह से चीन में भी मांग घटने की आशंका के चलते कच्चे तेल के अंदर दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। उधर हम देखें EU की रूसी कच्चे तेल पर बैन लगाने की योजना बना रही है, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों के ऊपर प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं राजनीतिक संकट के कारण लीबिया में भी उत्पादन घटा है, जिसकी वजह से कच्चे तेल के ऊपर दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है।
अब यहाँ से कच्चा तेल अगर लुढ़कता है, $100 के नीचे ऑलरेडी आ चुका है, $98 एक अहम सपोर्ट, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नीचे में हम $92 से लेकर $90 तक इसको जाता हुआ देख सकते हैं। और ब्रेंट भी मुझे लगता है कि आज इंटरडे में $98 से $95 तक नीचे लुढ़क सकता है, तो इन दोनों ही के अंदर प्रेशर बना रह सकता है। और घरेलू बाजारों की बात की जाए तो 7580 से 7540 की रेंज के लिए इसके अंदर बिकवाली करके चला जा सकता है। अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर की, तो आज बेस मेटल्स का बाजार कैसा रहेगा? अगर हम बात करें अब नेचुरल गैस की और बेस मेटल्स की, तो पहले बेस मेटल्स में कैसा रहेगा बाजार, रूपा जी हम जानना चाहेंगे। देखिए बेस मेटल्स की बात की जाए तो बेस मेटल में भी आज ओवरऑल देखा जाए तो सभी नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर दबाव देखने को मिला है। आज बाजारों की जो शुरुआत हुई है वो गिरावट के साथ देखने को मिल रही है। बेस मेटल भी ऊपरी स्तरों से लुटके हुए हैं, कॉपर भी लुढ़क चुका है और जिंक में भी गिरावट आई है। तो अभी ओवरऑल ट्रेंड जो है इसका भी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में नेगेटिव हो गया है। कॉपर जो है वो 780 तक नीचे लुढ़क सकता है क्योंकि चाइना की तरफ से एक बार डिमांड का फैक्टर जो है वो अहम रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके चलते लगता है कि बेस मेटल आज इंटरडे में 780 तक हो सकता है कि लुढ़क जाए। वही जिंक भी नीचे में 360 से 361 तक की गिरावट दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से आज इनके अंदर भी बिकवाली करके चला जा सकता है। वहीं अगर बात करें नेचुरल गैस की तो नेचुरल गैस में भी प्रेशर है, नीचे में 480 तक आज इंट्राडे में नेचुरल गैस भी गिरती हुई दिखाई दे सकती है। ओवरऑल कमोडिटीज के अंदर आज प्रेशर है और ये प्रेशर कंटिन्यू में बना रह सकता है। जी रूपा जी, आज नॉन एग्री कमोडिटी में किस कमोडिटी में मुनाफा कमाया जा सकता है? देखिए नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो आज सभी नॉन एग्री कमोडिटीज में बिकवाली का प्रेशर है, तो बिकवाली करके आज मुनाफा कमाया जा सकता है। सोने चांदी में बिकवाली की जा सकती है, साथ ही कच्चे तेल के साथ बेस मेटल्स में भी बिकवाली करके चला जा सकता है। जी